पैसे कमाने का गजब तरीका है राजनीति। 5 साल में 10 गुना बढ़ गई मेयर गामा की संपत्ति। आरटीआई एडवोकेट विवेक सिंह नेगी का बड़ा खुलासा। मेयर बनने के बाद खरीदी गई 11 संपत्तियां बाजार मूल्य 20 करोड़ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस में शिकायत। आरटीआई एक्टिविस्ट एवं जाने माने एडवोकेट विवेक सिंह नेगी ने देहरादून कचेरी परिसर स्थित अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर देहरादून में महापौर मेयर सुनील गामा को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। पुख्ता दस्तावेज के साथ किए गए इन खुलासों के साथ ही उन्होंने पूरे मामले की शिकायत विजिलेंस से भी की है कि विवेक सिंह नेगी ने मेयर पर अपने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया है। देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील गामा आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मामले को लेकर विवाद में आ गए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विवेक सिंह नेगी ने आरोप लगाया है कि मेयर गामा ने अपने लोक सेवक पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। उनके अनुसार मेयर बनने के बाद गामा ने 5,32,00,000 रुपये में 11 संपत्तियाँ खरीदी है। इसका बाजार मूल्य 20 करोड़ से भी अधिक है। उन्होंने मेयर गामा की शिकायत विजिलेंस से की है। उन्होंने इस मामले को उच्च स्तरीय जाँच करने की मांग की है। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विवेक सिंह नेगी के मुताबिक 2018 में हुए चुनाव के समय सुनील गामा ने लगभग 2.25 करोड़ की चल अचल संपत्ति की घोषणा शपथ पत्र दाखिल किया था, जिसमें पास छरवा विकास नगर में 12,600 वर्ग और 4,500 वर्ग गज का प्लांट, बंजारावाला में 260 वर्ग गज का प्लांट, काला गांव में डोभालवाला में 200 वर्ग गज का प्लांट और डोभालवाला में ही 333 वर्ग गज का प्लांट बताया। इसका मूल्य उन्होंने लगभग 2.25 करोड़ बताया। एडवोकेट विवेक सिंह नेगी के अनुसार मेयर बनने के बाद उन्होंने अपने पत्नी शोभा उनियाल, पुत्र शाश्वत के नाम से 11 विभिन्न संपत्तियां खरीदी। राजस्व रिकॉर्ड में जिसकी कीमत 5,32,20,000 है। एडवोकेट विवेक सिंह नेगी के मुताबिक संपत्ति का बाजार मूल्य 20 करोड़ से अधिक है। उन्होंने कहा कि एक लोकसेवक ने आय से कहीं अधिक संपत्ति खरीदी है, जो कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत संपूर्णता दस्तावेज के साथ विजिलेंस को कर दी गई है। उन्होंने कहा मेयर गामा ने एक संपत्ति चुनाव लड़ने से पहले खरीद ली थी, लेकिन उसका उल्लेख चुनावी शपथ पत्र में नहीं है किया गया। यह चुनाव अधिनियम के खिलाफ है और चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की जा रही है। वक्ष महंत से लीज पर ली जमीन भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में। आरटीआई विवेक सिंह नेगी ने कहा कि मेयर सुनील उनियाल गामा के पद का दुरुपयोग करते हुए गुरु राम राय दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास ने अपने पुत्र स्वासत के नाम 3 पट्टे शहर के प्रमुख स्थानों पर किए हैं। इनमें से 1 पट्टा 29 वर्ष के लिए और 2 पट्टे 99 वर्ष की लीज का है, जिनकी लीज निकट भविष्य में स्वतः ही आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें 2 पक्षों की कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बात का उल्लेख पट्टों की तीनों लीज डेट पर लिया हुआ है। एडवोकेट विवेक सिंह नेगी के अनुसार यह सरासर लोक सेवक पद का दुरुपयोग है और यह पूरा मामला भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। उन्होंने इस पट्टे को स्टैंप ड्यूटी की चोरी माना है। इस जमीन का टैक्स जमा नहीं किया गया था। 99 साल की अवधि का पट्टा विलेख सीधे तौर पर विक्रय ही होता है। महंत ने भी टैक्स चोरी की है। निगम ने महंत को टैक्स चोरी का नोटिस भी जारी नहीं किया। एडवोकेट विवेक सिंह नेगी ने सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। धन्यवाद के साथ मैं सुशील दिलवाइस के साथ बने रहे। नमस्कार।